वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है और आज हम बात करेंगे इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या और इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इंटरैक्टिव एक फ्लैट पैनल होता है जिसमें आप इंटरैक्टिविटी टच के साथ बहुत सारी मल्टीपल यूटिलिटीज़ के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तो एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और एजुकेशन इंडस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा यूज़ आ रहा है। प्लस आप इसको मीटिंग्स रूम या कॉर्पोरेट्स में या वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए या मीटिंग डिस्कशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये इंटरेक्टिव पैनल कौन सी कंपनी का है। ये जो इंटरेक्टिव पैनल आप देख रहे हैं ये बैनक्यू कंपनी का है और ये 55 इंचेस, 65 इंचेस, 75 इंचेस एंड 86 इंचेस में ये अवेलेबल होता है। बात करते हैं यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है, मींस एक हार्डवेयर के बारे में यूज़ करते हैं, क्या हार्डवेयर यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो 4K UHD है, प्लस ये आपका 4mm का टफन ग्लास है, प्लस एंटी ग्लेयर स्क्रीन है। मींस कोई इसको इस तरीके से हार्म करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं होगा, प्लस आपका स्क्रैच प्रूफ है। बात करते हैं कि इसमें स्क्रीन में क्या और खास बात है जिसकी वजह से हमको बैनक्यू इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को चूज़ करना चाहिए या हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो इसमें एक तो फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी है, ये मींस इसमें आपका फ्लिकरिंग नहीं होती, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो फ्लिकर होती है वो इसमें नहीं होती है। आई केयर टेक्नोलॉजी है, लो ब्लू लाइट फिल्टर्स है, प्लस एंटी ग्लेयर कोटिंग है। तो और ये सब जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिसकी बात कर रहे हैं ये सारी TÜV सर्टिफाइड है। दैट मीन्स कि यहाँ जो कंपनी बोल रही है वो बिल्कुल 100% प्रूफ करके बोल रही है कि यस दीज आर द सर्टिफिकेशन अवेलेबल विद द कंपनी। अब बात करते हैं, ये तो हुआ एक स्क्रीन के बारे में, अब इसमें बात करते हैं हार्डवेयर में क्या क्या पोर्ट्स इसमें अवेलेबल है। तो इसमें अपन देखते हैं कि 3 आपका HDMI इनपुट्स है, 2 USB टच अवेलेबल है, 3 पोर्ट आपका USB 3.0 के इसमें अवेलेबल है, VGA पोर्ट है, आपका LAN पोर्ट है, ऑडियो इन है, ऑडियो आउट है और OPSPC के लिए भी एक यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप अपना अलग से OPSPC लगा सकते हैं या फिर आप अपना एडिशनल कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप इसके साथ अटैच करके और आप इसका जो है इंटरेक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें जो ये आपका स्लीक साइज में आगे साउंड बार दिया हुआ है, फ्रंट फेसिंग इसका साउंड बार है और इसमें जो स्पीकर है वो 16 वॉट के 2 स्पीकर लगे हैं। तो एक रूम के लिए जो है, एक क्लासरूम के लिए इसका जो साउंड है वो गुड इनफ है। अब बात करते हैं कि इस पैनल के अंदर और क्या स्पेशल है जो इसको और ब्रांड से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, वो है इसका इंटरनल स्टोरेज और इसमें जो है 4GB रैम। इसके अंदर आपका 4GB रैम है प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज है। अभी जितने भी करंटली पैनल अवेलेबल है किसी में 3GB रैम अवेलेबल है, किसी में आपका 2GB रैम अवेलेबल है, बट बैनक्यू के अंदर आपका 4GB रैम अवेलेबल है प्लस एंड्रॉयड 8.0 लेटेस्ट इसका OS इसमें अवेलेबल है। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन तो हुआ एक हार्डवेयर का। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इसमें सॉफ्टवेयर वाइज क्या क्या फीचर है और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 तरीके के पैन है, एक थोड़ा सा मोटी टिप का है और एक थोड़ा सा पतली टिप का पैन है। तो फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं यहाँ पे, इसके अंदर आपका ये एंड्रॉयड का आइकन है और यहाँ पे HDMI के आइकन बने हुए हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं मेरा कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप यहाँ पे अटैच करता हूँ तो देन मैं यहाँ से HDMI 1, 2, 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपका एक टैब है जिसके अंदर आपका ऑडियो, मैं यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ, प्लस म्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक मेरे पास है आई केयर, मैं यहाँ से आई केयर इसका ऑन कर सकता हूँ और ऑफ कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे ऑटो बैक लाइट, ऑटो बैक लाइट का क्या मतलब है, रूम की लाइट के अकॉर्डिंग ये खुद की लाइट एडजस्ट करेगा। थर्ड है यहाँ पे ईथरनेट का आइकन है और एक वाईफाई का यहाँ पे आइकन है, मींस मैं यहाँ पे इसमें एक डोंगल लगा के मेरे इस पैनल को वाईफाई भी बना सकता हूँ। डिवाइसेस में बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का एप्स का एक फोल्डर है जिसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन इसमें जो भी इंस्टॉल है वो सारा यहाँ पे शो करेगा और मैं यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ। माइक्रोफोन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मींस मैं यहाँ पे माइक इसमें इनपुट करके उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ।
देन यहाँ पे मेरा है सिस्टम, डेट एंड टाइम मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, लैंग्वेज के मेरे इनपुट्स है वो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, एक अबाउट करके ऑप्शन है सिस्टम अपडेट, यहाँ पे मैं जाऊँगा और देखूँगा तो यहाँ पे ये जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं सिस्टम अपडेट पे, तो इस पैनल का जो भी मुझे अपडेट नेट पे अवेलेबल होगा वो यहाँ शो करेगा और उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। सेकेंड यहाँ पे चलते हैं कि इसके अंदर इनबिल्ट कौन कौन सी एप्लीकेशन है, तो ये आपका एप्लीकेशन का पैनल है, इस पैनल के अंदर जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल है वो यहाँ पे शो करेगा, प्लस एडिशनल अगर मुझे कुछ अलग से एप्लीकेशन की ज़रूरत है वो भी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। फर्स्ट है AMS फाइल्स, AMS फाइल का मतलब है ये अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स इसमें जो फाइल्स होगी या फोल्डर्स होंगे मैं अपना अलग से एक लॉगिन बना सकता हूँ और इसके अंदर मेरा गूगल ड्राइव है, लोकल कोई मेरा ड्राइव है, हार्ड ड्राइव लगाता हूँ या कोई पेन ड्राइव लगाता हूँ वो सारा मेरा डेटा इसमें शो करेगा। देन सेकंड है BenQ सजेस्ट, BenQ सजेस्ट के अंदर क्या आपको मिलेगा, BenQ की तरफ से जो भी रिकमेंडेड की हुई एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे शो करेगी, लाइक ये जैसे एजुकेशन की या किड्स के लिए कुछ एप्लीकेशन है, यहाँ पे अपन देखते हैं तो कॉर्पोरेट के लिए कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे दी हुई है, लाइक फायरफॉक्स है, इंस्टा क्यू प्रिंट है, इंस्टा शेयर है, इस तरीके से ये एप्लीकेशन मैं यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। ब्राउजर यहाँ पे मेरे पास डिफॉल्ट एक ब्राउजर दिया हुआ है, एक फायरफॉक्स मैंने अलग से इंस्टॉल किया हुआ है, एक यहाँ पे गूगल अर्थ का भी यहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो इस तरीके एक ये इंस्टा शेयर है, इंस्टा शेयर का मतलब मैं अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप बिना किसी वायर के वायरलेसली यहाँ पे मैं मिरर कर सकता हूँ और मैं मल्टीपल डेस्कटॉप भी यहाँ पे मिरर कर सकता हूँ, मतलब 1, 2, 3, 4 जो भी मैं मल्टीपल यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें एक VLC एप्लीकेशन डाला हुआ है, एक जूम एप्लीकेशन भी डाला हुआ है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जो इसका खुद का एक वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है EZ, ईजी राइटिंग सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं कि इसमें जो अपना ईजी राइटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या टूल्स हैं और उनको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका पेन, यहाँ से मैं मेरे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल है, फर्स्ट पेन है, देन मेरे पास सेकेंड है, एक ही पेन के ऊपर मैं दो कलर यूज़ कर सकता हूँ, दोनों तरफ से अलग अलग कलर यूज़ कर सकता हूँ। थर्ड है मेरे पास ब्रश इम्पैक्ट और यहाँ से मैं अपना थिकनेस चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल पेन इसमें किस तरीके से वर्किंग करता है, ये मैंने ब्लैक कलर का इसमें यूज़ किया है कलर। अब मेरे को जो मल्टीपल एक ही पेन के ऊपर मल्टीपल कलर्स यूज़ करने हैं वो मैं यूज़ करूँगा ये बिल्कुल पतली जो अपना पॉइंटर वाला पेन है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने एक तरफ से ब्लैक कलर लिया, दूसरी तरफ से मैंने ग्रीन कलर लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरफ से तो ब्लैक कलर यूज़ हो रहा है और इस तरह से मेरा ग्रीन कलर यूज़ हो रहा है। इरेजिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे तीन फंक्शन अवेलेबल है, फर्स्ट है सिंपल, आप पाम मैंने रखा और मैं इस तरीके से इरेज कर सकता हूँ। सेकेंड मेरे पास अवेलेबल है सेलेक्टर, मींस मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ देन उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। थर्ड है मेरे पास ऑल, क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा जो वाइट बोर्ड है वो क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं कि बहुत छोटे छोटे फंक्शन है बट बहुत इम्पोर्टेंट है एक क्लासरूम के लिए या फिर जो प्राइमरी स्कूल्स के लिए उन सब के लिए बहुत अच्छे फंक्शंस है। फर्स्ट है मेरा कैलकुलेटर, मेरे को कुछ भी यहाँ पे अलग से कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इनबिल्ट ये कैलकुलेटर है, तो जो भी यहाँ पे मैं करता हूँ वो यहाँ पे मेरे को ये उसका रिजल्ट शो करेगा। थर्ड है मेरा कोई भी मैं अपनी यहाँ पे शेप बनाता हूँ तो उस शेप को ये एग्जैक्टली करेक्ट शेप करके यहाँ पे मेरे को देगा, मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मुझे अब इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना है तो वो मैं यहाँ पे इस तरीके से उसके ऊपर डिस्कस कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे को अगर इसको डिलीट करना है तो
सिंपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, मूव भी कर सकता हूँ मैं इसको, यहाँ से एनलार्ज भी कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन है स्टॉप वॉच, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मैं लैप्स, मल्टीपल लैप्स दे सकता हूँ। देन फोर्थ है यहाँ पे आपका टाइमर, यहाँ पे मैंने 10 मिनट्स का जैसे टाइमर लगा दिया तो ये यहाँ पे ये टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा। देन ये है स्टिकी नोट्स, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए मेरे को आज कोई मेरी क्लासरूम में कोई टेस्ट लेना है तो मैं यहाँ पे एक स्टिकी नोट पेस्ट कर दूंगा और उसको मैं मूव कर सकता हूँ कहीं भी, तो एक ये मेरे को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज रहेगा कि यस मेरे को यहाँ पे आज क्लास में कोई टेस्ट कंडक्ट करवाना है, तो वो मेरे को एक रिकॉग्निशन के लिए याद रहेगा, या फिर आप यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं। थर्ड आप ये यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट है मल्टीपल बोर्ड्स, मीन्स यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 2+2=2 पेस्ट ऑल, ये सभी जगह सेम मैंने क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, वो मैंने यहाँ पे सभी बोर्ड्स के ऊपर वो पैरेलली शो करेगा। अब इसको मेरे को अलग अलग कलर्स में यहाँ पे शो मीन्स सॉल्व करना है तो मैं यहाँ इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो भी मैं लिखूँगा, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट किया है तो ये ब्लू कलर आगे वाले पेज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ पे अगर मैंने उसको रेड कलर सेलेक्ट किया है तो ये रेड कलर आगे वाले किसी भी पेज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मीन्स यहाँ पे जो भी मैं लिखूँगा वो रेड कलर में रहेगा, यहाँ पे ये मेरा ग्रीन कलर में रहेगा, तो ये एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है जो कि यूज़ आती है आपकी। देन यहाँ पे अपन चलते हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे कोई भी JPG फाइल, PDF हो या PPT हो, उसको यहाँ डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ और उसके ऊपर एनोटेशन कर सकता हूँ, तो लाइक एक मैं एक JPG फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करके उसके ऊपर कुछ फंक्शनिंग करके देखते हैं। मैंने एक ये JPG फाइल इंपोर्ट करी, देन इसके ऊपर मुझे कुछ राइटिंग करना है, कुछ मुझे एक्सप्लेन करना है, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सेम तरीके से मैं PPT या PDF भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका ऑप्शन है रीडू और अनडू, जैसे जिस तरीके से कंप्यूटर में यूज आते हैं ना, ये देखिएगा रीडू और अनडू। नेक्स्ट है यहाँ से मैं अपना इस बोर्ड का बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, ब्लैक बोर्ड में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ग्रीन बोर्ड यूज़ कर सकता हूँ, ग्रे कर सकता हूँ, प्लस कुछ इमेजेस इसमें इनबिल्ट है उनको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपना पेज नंबर जो है चेंज कर सकता हूँ, देखिए पेज नंबर 2 आ गया, पेज नंबर 3 आ गया, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पेजेस चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं इस तरीके से बैक और फॉरवर्ड जा सकता हूँ पेजेस में। इस तरफ कुछ ऑप्शंस हैं उनको एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन है QR कोड शेयर ईमेल एंड प्रिंट, मींस ये जो फाइल बनी है मेरी इसको मैं QR कोड के थ्रू शेयर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन देता है, आप इसको एज ए PDF करना चाहते हैं या सेपरेट सेपरेट पिक्चर्स फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको शेयर किया है PDF फॉर्मेट में, तो यहाँ पे QR कोड जनरेट होगा। इस QR कोड को जब मैं अपने मोबाइल से स्कैन करूंगा तो ये जो PDF फाइल है ये मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसका। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग फीचर है, मींस मैं यहाँ पे जैसे ही उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। रिकॉर्डिंग यहाँ पे जब स्टार्ट हुई है तो इस बोर्ड के ऊपर मैं जो भी लिखूंगा वो मेरा रिकॉर्ड होगा, और वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए ये रिमोट है, रिमोट के यहाँ पे एक बटन है, इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ तो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, तो आप कोई भी रिकॉर्डिंग अपना लेक्चर यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। यह जैसे मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ तो ये मुझे शो करेगा कि मेरा रिकॉर्डिंग कहाँ पे जाके सेव हुआ है, तो इस तरीके से जो है इसका ये बेसिक कुछ फंक्शंस है जिसको अब आगे हम देखते हैं कि इसमें मेरे को कोई भी, जैसे मान लीजिए इंटरनेट पे कोई वर्किंग, कोई भी फाइल है उसके ऊपर मुझे वर्किंग करनी है, एक ये मैंने इंटरनेट से फाइल ओपन की है, यहाँ पे एक प्लांट का मैंने एक इमेज ओपन किया है, इस पेज के ऊपर मुझे डायरेक्टली कुछ
राइटिंग करना है, तो यहाँ पे फंक्शन है, इस पर क्लिक करूंगा मैं ईज एड करके। मैं डायरेक्टली इसके ऊपर भी, ये देखिए आप, इंटरनेट का जो मैंने पेज ओपन किया हुआ है इसके ऊपर मैं राइटिंग कर सकता हूँ। देन इसको इरेज करना है, तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको मैंने इरेज किया है। तो ये इस तरीके से सिंपल पाम इरेजर से आप इसको इरेज कर सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो मेरी फाइल, ये जो यहाँ पे इमेज खुली हुई है, इस इमेज को मुझे क्रॉप करना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे इमेज को क्रॉप किया और मुझे इस इमेज को डिटेलिंग में एक्सप्लेन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को उठा के उस सॉफ्टवेयर में पेस्ट करूँगा। यहाँ पे ईजेड पे मैंने क्लिक किया, तो ये जो मेरी इमेज है ये डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे पेस्ट हो गई। देन अब यहाँ पे मुझे जो भी राइटिंग कुछ करना है वो मैं यहाँ पे राइटिंग, जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इंटरनेट से कोई भी फाइल हो उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई आपका वीडियो चल रहा हो, उस वीडियो में से कोई पर्टिकुलर क्लिप यहाँ पे आपको डालनी हो वो भी आप कर सकते हैं, प्लस वीडियो के ऊपर कुछ एनोटेशन करना है वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप इसमें डायरेक्टली एक काम और कर सकते हैं, मैंने क्या किया, सिंपल एक मेरी पीडीएफ या पीपीटी ओपन करके मैं उसके ऊपर भी डायरेक्टली एनोटेशन कर सकता हूँ। तो एक ये मैंने यहाँ पे फाइल ओपन करी है, ये एक पीडीएफ फाइल है, ये यहाँ पे एक मैंने पीडीएफ ओपन किया है मेरा, ठीक है। अब इस पीडीएफ के ऊपर मुझे राइटिंग ये करना है या मुझे इसको एक्सप्लेन करना है वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने वही ईजेड जो टूल है वो मैंने ओपन किया, इस तरीके से मैं डायरेक्टली, आप देखिएगा कि मैं पीडीएफ फाइल के ऊपर राइटिंग कर रहा हूँ। आपका जो ओरिजिनल पीडीएफ फाइल है वो एज इट इज सेव रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बट यहाँ पे जो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अलग से मेरा राइटिंग यहाँ शो करेगा। देन इसको मैं इरेज करना चाहता हूँ, सिंपल वही पाम रख के मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। तो पीडीएफ और पीपीटी उसके ऊपर आप डायरेक्टली राइटिंग भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ से आपको लगता है कि ये मुझे पर्टिकुलर टॉपिक क्रॉप करके ईजेड सॉफ्टवेयर में लेके जाना है वो भी आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये बैनक्यू का एक कंप्लीट इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है जो आपके इसमें बहुत सारे फीचर्स से इसमें अवेलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।